सुबह से ही शीतल उदास थी तो उसकी देवरानी सोनम बोली, दीदी आप उदास हो तो मुझे भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप भी अपने मायके से घूम आइए ना। तभी उसकी सास बोली, छोटी बहू तुम मायके चली जाओ, बड़ी बहू ने तो अपनी जिंदगी में कभी रक्षाबंधन मनाया ही नहीं है, तो इसे क्या पता होगा रक्षाबंधन की खुशी क्या होती है, इसलिए उदास घूम रही है, इसका तो कोई भाई ही नहीं है। तो बड़ी बहू रक्षाबंधन पर मायके नहीं जाएगी। बड़ी बहू की आंखें भर आई, सोनम को बड़ा बुरा लगा, वो कहने लगी, मम्मी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं। उसकी सास कहने लगी, अरे बहू मैं कोई गलत बात थोड़ी ना बोल रही हूँ, अब देखो बड़ी बहू का कोई भाई तो है नहीं, तो इसने तो शुरुआत से ही रक्षाबंधन नहीं मनाया है, तो इसे क्या पता होगा कि रक्षाबंधन की खुशी क्या होती है। हाँ कोई ममेरा भाई है, लेकिन इसकी शादी के बाद से तो उन लोगों ने इसे रिश्ते तोड़ लिए हैं, तो फिर बेचारी क्या करेगी। बेचारी शब्द शीतल के कानों को चुभने लगा था, उसकी आंखों से अब आंसू टपकने ही वाले थे, इसलिए वह भागकर अपने कमरे में चली गई और अकेले में आंसू बहाने लगी। उसके पति को भी ऑफिस जाना पड़ गया था, वरना ऐसे समय में वही उसे संभालता था। सोनम को अपनी जेठानी के लिए बड़ा बुरा लग रहा था, वह उसे अकेले छोड़कर तो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मायके से फोन पर फोन आ रहे थे। एक बार को उसका मन किया कि वह अपनी जेठानी को अपने मायके लेकर चली जाए, फिर वह कुछ सोचते हुए रुक गई। उसने अपने जेठ जी को फोन लगाया और कुछ बातें की, फिर निश्चिंत होकर अपना बैग उठाकर मायके जाने के लिए निकल गई। इधर एक घंटे के बाद जब शीतल अपने कमरे से बाहर निकली तो उसने देखा कि सोनम घर में नहीं थी। वह समझ गई कि सोनम अपने मायके चली गई होगी। उसे बड़ा बुरा लगा कि सोनम उससे मिलकर भी नहीं गई। खैर दोपहर होने वाली थी तो वह रसोई में गई और दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। तब उसकी सास कहने लगी, बहू आज रक्षाबंधन है, त्योहार का दिन है, कुछ अच्छे पकवान बना दो। शीतल का मन बुझ गया था, वह सोचने लगी कि घर में कोई त्योहार तो मना नहीं रहा, दीदी भी मायके नहीं आने वाली, छोटी भी अपने मायके चली गई और मेरा तो हर रक्षाबंधन रोते हुए ही जाता है, फिर पकवान किसके लिए बनाऊं। लेकिन अब सास ने कह दिया था तो वह पूछ बैठी, मम्मी जी आप ही बता दीजिए क्या बनाना है तो मैं बना देती हूँ। उसकी सास कहने लगी, बहू एक काम करो, दाल चावल लौकी की सब्जी बनाओ और साथ में मिक्स सब्जियों के पकौड़े बना लो तुम, थोड़े पापड़ तल लेना और सलाद काट लेना, ज़्यादा कुछ नहीं खाना है मुझे। और सुनो, हो सकता है कि मेरी दीदी घर आ जाए तो एक जन का खाना बढ़ाकर बना लेना, बाद में मत कहना कि खाना कम पड़ गया। सास की बात सुनकर शीतल ने कहा, ठीक है मम्मी जी मैं खाना बना लेती हूँ। वह रसोई में गई और जल्दी जल्दी खाना बनाने की तैयारी करने लगी। सास ने वैसे भी ज़्यादा मुश्किल आइटम नहीं बताए थे तो उसने घंटे भर के अंदर खाना तैयार कर लिया था। खाना बनाकर जैसे ही वह रसोई से बाहर निकली तो उसे हॉल में किसी की आवाज़ सुनाई दी। उसकी सास किसी से बातें कर रही थी। वह सोचने लगी कि इस वक्त घर पर कौन आ गया और मम्मी जी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। वह हॉल में आई तभी पीछे से किसी ने उसके आंख पर हाथ धरते हुए पूछा, पहचानो कौन। शीतल एकदम से चौंक उठी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कौन है। तभी उसकी आंखों पर से हाथ हटा, वह झट से पीछे पलटी तो एकदम से स्तब्ध सी रह गई, क्योंकि पीछे उसका ममेरा भाई मनीष खड़ा था। मनीष को देखते ही वह दो कदम पीछे हट गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका भाई उसके ससुराल में खड़ा है। उसकी आंखों से झरझर आंसू झरने लगे। मनीष ने आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया और कहने लगा, कैसी है छोटी, तुम मुझे याद करती भी है या नहीं। शीतल भरे गले से बोली, भैया मैं आपको भूली ही कब थी, मैं इतने सालों से सोच रही थी कि कब मेरे भैया मुझे वापस मिलेंगे, लेकिन आप ही तो मुझसे नाराज थे ना। कहते कहते वह रो पड़ी तो मनीष उसके आंसू पोंछते हुए बोला, पगली मैं तुझे एक पल के लिए भी भूल नहीं पाया था, लेकिन बस तुझसे मिलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा था। मैंने कई बार हिम्मत जुटाई लेकिन फिर पापा के डर से मैं खामोश रह गया, लेकिन आज जब तुम्हारे पति का फोन आया तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। शीतल हैरान रह गई। तभी पीछे से उसके पति विवेक ने कहा कि अब सारी बातें अभी ही होंगी, पहले भाई को चाय पानी तो पूछो, इतनी दूर से आया है यह। शीतल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब चल क्या रहा है। वह जल्दी से रसोई में गई और उसने चाय नाश्ते की व्यवस्था की। उसके बाद उसने अपने भाई को राखी बांधी। गिफ्ट में वह अपनी बहन के लिए एक साड़ी और कंगन लेकर आया था, लेकिन शीतल के लिए तो सबसे बड़ा उपहार यही था कि आज उसका भाई वर्षों के बाद उसे फिर से मिल गया था। शीतल का अपना कोई भाई नहीं था, वह अपने ममेरे भाई को बचपन से ही बहुत प्यार करती थी। यह बात और थी कि कभी उन लोगों को एक साथ रक्षाबंधन मनाने का मौका नहीं मिल पाया। बचपन में वह उसे राखियाँ भेजती थी, लेकिन रक्षाबंधन के दिन मामा के घर जाकर उसे कभी राखी नहीं बांध पाई थी। धीरे धीरे समय बीता, शीतल और विवेक एक ही कॉलेज में पढ़ते थे तो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे,
लेकिन शीतल के मामा जी इस रिश्ते से बहुत नाराज हो गए और उन्होंने कह दिया कि अगर तुमने लव मैरिज की तो हमसे कोई रिश्ता नहीं रख पाओगी। शीतल को लगा था कि बाद में उसके मामा जी मान जाएंगे, लेकिन उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे। उसके मामा जी अभी तक उन लोगों को स्वीकार नहीं कर पाए थे। इसी चक्कर में मनीष का साथ भी पीछे छूट गया था। शीतल को लगता था कि मनीष भी मेरे इस कदम से मुझसे नाराज हैं, लेकिन उधर मनीष कुछ कर नहीं पा रहा था क्योंकि वह खुद पढ़ाई कर रहा था। इसी साल उसकी नौकरी लगी थी और वह घर से बाहर निकल गया था, लेकिन फिर भी उसे डर लगता था कि अगर वह शीतल से संपर्क करेगा तो उसके पिताजी को बुरा लग जाएगा, इसलिए वह खामोश रहता था। इधर आज जब सोनम ने अपनी जेठानी को उदास देखा तो उसे याद आया कि एक बार बातों ही बातों में उसकी जेठानी ने अपने ममेरे भाई मनीष की चर्चा की थी। फिर उसने कुछ सोचते हुए अपने जेठ जी को फोन लगाया और उनसे कहा कि वह मनीष को फोन करके एक बार घर आने के लिए कहे। विवेक को भी लगा कि एक बार मैं भी कोशिश करके देख लेता हूँ। जब उसने शीतल की माँ से मनीष का नंबर मांगकर उसे फोन किया तो मनीष भी आज खुद को रोक नहीं पाया और वह भी इस रक्षाबंधन पर अपनी बहन से मिलने के लिए उसके ससुराल आ चुका था। उसने कहा कि पापा के अपने विचार हैं, लेकिन मैं तो भाई बहन का रिश्ता निभा ही सकता हूँ ना। इस बात से शीतल के मन को बड़ी राहत मिली थी। बचपन से ही उसका कोई भाई नहीं था और धीरे धीरे जब वह बड़ी होती चली गई तब उसने यही सोचकर खुद को समझा लिया था कि मनीष ही मेरा भाई है। लेकिन जब इस तरह अचानक से रिश्तों में दूरी आ गई थी तो उसे बड़ा खालीपन सा लगता था। लेकिन आज उसकी देवरानी के कारण उसे उसके मनीष भैया फिर से वापस मिल चुके थे। उसने तुरंत ही सोनम को फोन लगाया और उसे खूब ढेर सारा धन्यवाद दिया। आज उन दोनों के रिश्ते में भी बहुत मजबूती आ गई थी क्योंकि एक देवरानी ने अपनी जेठानी की खुशियों के बारे में सोचा था। उधर से सोनम भरे गले से बोली, दीदी जब मैंने आपको रक्षाबंधन वाले दिन उदास देखा तो मेरा मन मुझे कचोटने लगा। मैंने सोचा मैं आपको अपने मायके ले आती हूँ और अपने भाई को ही राखी बांधने के लिए कह दूंगी, लेकिन अगले ही पल मुझे यह लगा कि आपको केवल राखी थोड़ी ना बांधनी है। ऐसा होता तो आप किसी को भी राखी बांध सकती थी, लेकिन आपको तो वह प्यार और भावनात्मक सुरक्षा चाहिए होगी और वह तो केवल उसी से मिल सकता है जिसे आपने बचपन से अपना भाई माना हो। इसीलिए मैंने एक छोटी सी कोशिश की और वह कोशिश सफल भी हो गई। मैं आज आपके लिए बहुत खुश हूँ, शीतल बोली। धन्यवाद छोटी जो तुमने मेरी खुशियों के बारे में सोचा। आजकल के समय में लोग बस अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन तुम बहुत अच्छी हो जिसने आज मेरी खुशियों के बारे में सोचा है। इधर शीतल की सास भी बहुत खुश दिखाई दे रही थी। उसके फ़ोन रखते ही वो कहने लगी, बहू जो काम मुझे करना चाहिए था वो हमारी छोटी बहू ने कर दिखाया। काश कि मैंने पहले सोचा होता कि रक्षाबंधन पर तुम्हें भी कितना खाली खाली सा महसूस होता है, तो मैं ही तुम्हारे भाई को फ़ोन करके घर आने के लिए कह देती। शीतल बोली, कोई बात नहीं मम्मी जी, जब जब किस्मत में जो लिखा होता है वही हो जाता है। मुझे खुशी बस इतनी ही है कि मनीष भैया फिर से मेरे साथ हैं। मनीष ने प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, क्यों नहीं छोटी, हम भी 4 भाई हैं, हमारी भी कोई बहन नहीं है। मैंने भी बचपन से तुझे ही अपनी बहन माना क्योंकि हम दोनों हम उम्र थे। तुझे मैं अपनी सगी बहन की तरह ही प्यार करता हूँ। इतना कहकर वह उसकी चोटी खींचने लगा तो बचपन की तरह ही शीतल उसे मारने के लिए दौड़ी और मनीष पूरे घर में भागने लगा। दोनों को इस तरह शरारत करते हुए देखकर ऐसा लग रहा था मानो फिर से वह दोनों बचपन के पलों में पहुंच गए हों और वह घर भाई बहन की शरारतों से खिलखिलाने लगा था। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, भाई बहन का रिश्ता ऐसा होता है जिसमें हमेशा कहीं ना कहीं थोड़ा सा बचपना जरूर जीवित रह जाता है। तो आप सभी प्यार से रक्षाबंधन मनाइए। आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। मेरी लिखी हुई और नई कहानियों के लिए कथा संचय चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं फिर आऊंगी एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।